एक टीवी चैनल है बहुत बड़ा, उस टीवी चैनल का कोई एंकर है, उस एंकर ने कोई फर्जी क्लिप दिखा दी, तो छत्तीसगढ़ की पुलिस उसको गिरफ्तार करने आई है, वारंट लेके आई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको बचाने पहुंच गई। अब दोनों राज्यों की पुलिस गुत्थम गुत्था हो रही। बताओ ये क्या हाल बना दिया देश का। चाइना से लड़ाई नहीं होती तुमसे, अपने देश के अंदर एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस से। उदयपुर में एक बड़ी दर्दनाक घटना घटी, जिसमें दो लोगों ने एक आदमी का सरेआम गला काट के उसका कत्ल कर दिया। उनमें से एक जो है वो भाजपा का निकला। अभी जम्मू के अंदर 2 दिन पहले एक लश्कर का बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ा गया है, वो लश्कर का कमांडर बताया जा रहा है। वो बताते हैं कि भाजपा का एक वरिष्ठ नेता निकला। आप लोग भी करना है, गूगल करना, बीजेपी के अंदर कौन कौन बलात्कारी है, उनकी लंबी लिस्ट आती है। कहते थे बीजेपी लुच्चे लफंगे गुंडे मवाली बलात्कारियों की पार्टी है, इसमें अब आतंकवादी भी शामिल हो रहे हैं। दोस्तों पूरे देश के अंदर आज एक एक करके सारे पार्टियां टूटती जा रही हैं, सारी पार्टियां झुकती जा रही हैं, सारे पार्टियां गिरती जा रही हैं। इन्होंने सबको तोड़ लिया। आज पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, पूरा देश आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहा है। केवल आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी अकेली है जिससे इनकी पैंट गीली होती है। केवल आम आदमी पार्टी है जिससे इनके टॉप के दोनों नेता डरते हैं। तुम सारे मत टूटना किसी भी हालत में। अभी मैं गुजरात से वापस आ रहा था, मेरे बगल में एक आदमी बैठा था, गुजरात का था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया कस के, मुझे कहता है कि सर कुछ भी करो गुजरात को बचा लो इनसे। मैं सोच रहा था कि कितनी उम्मीद है लोगों को हम लोगों से, कितनी ज्यादा। मैंने उसको बोला यार तुम लोग कुछ क्यों नहीं करते। कहता सर सारे डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती इनके खिलाफ बोलने की, सबको डरा रखा है। आज का ये दौर जो चल रहा है हमारे देश के अंदर, ये इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। और जब ये इतिहास के अंदर काले अक्षरों से लिखा जाएगा, उस वक्त तुम लोगों का नाम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में लिखा जाएगा। उस वक्त सतिंदर जैन का नाम स्वतंत्रता सेनानी, मनीष सिसोदिया का नाम, संजीव झा का नाम, जितने तुम जेल गए हो सबका नाम है। आज के जमाने के तुम सारे भगत सिंह हो, मरने के लिए कटने के लिए तैयार रहना। आज मैंने अभी आने से पहले सुन रहा था, कोई एक टीवी चैनल है बहुत बड़ा, उस टीवी चैनल का कोई एंकर है, उस एंकर ने कोई फर्जी क्लिप दिखा दी, तो छत्तीसगढ़ की पुलिस उसको गिरफ्तार करने आई है। होना चाहिए गिरफ्तार, क्यों नहीं होना चाहिए? वारंट है सर, वारंट है, वारंट लेके आई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको बचाने पहुंच गई। अब दोनों राज्यों की पुलिस गुत्थम गुत्था हो रही है। बताओ ये क्या हाल बना दिया देश का। चाइना से लड़ाई नहीं होती तुमसे, अपने देश के अंदर एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस से इन्होंने लड़ा। पंजाब की पुलिस दिल्ली से एक अपराधी को पकड़ने के लिए आई, दिल्ली पुलिस उसको बचाने पहुंच गई। तो ये क्या हाल बना दिया, एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य, हम सारे आपस में लड़ेंगे क्या बैठ के? लोग आपस में पर लड़ेंगे, पुलिस इसकी पुलिस उससे लड़ेगी। अरे यार सारे मिलके चाइना से लड़ो ना, चाइना हमारे देश के अंदर घुस गया उसको बाहर भगाते हैं सारे मिलके, बीजेपी वाले कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी सारे इकट्ठे हो जाओ। तो सारे आपस में लड़ेंगे तो कैसे?
अभी उदयपुर में एक बड़ी दर्दनाक घटना घटी जिसमें दो लोगों ने एक आदमी का सरेआम गला काट के उसका कत्ल कर दिया। बड़ी गंदी घटना है, बड़ी दर्दनाक घटना है। हम उसकी कड़ी निंदा की, हमने मांग की भाई दोषियों को सजा दो। जब पुलिस दोषियों को पकड़ने पहुंची तो पता चला अखबारों और टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से कि उन दो लोगों जिन्होंने कत्ल किया था इतना दर्दनाक तरीके से, उनमें से एक जो है वो भाजपा का निकला। अभी जम्मू के अंदर दो दिन पहले एक लश्कर का बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ा गया है, वो लश्कर का कमांडर बताया जा रहा है। वो बताते हैं कि भाजपा का एक वरिष्ठ नेता निकला। आज मैंने यहां आने के पहले, आप लोग भी करना एक गूगल करना, रेपिस्ट्स इन बीजेपी, एक बड़ी लंबी लिस्ट आती है बीजेपी के अंदर कौन कौन बलात्कारी है, उनकी लंबी लिस्ट आती है। तो मैंने आप लोगों के कईयों की पुलिस वो देखी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, आप लोग कहते थे बीजेपी लुच्चे लफंगे गुंडे मवाली बलात्कारियों की पार्टी है, इसमें अब आतंकवादी भी शामिल हो रहे हैं। पूरे देश में इन्होंने बड़े बड़े जिला ऑफिस खोले हैं। अब समझ में आया किस लिए खोले हैं, कहीं किसी जिले में कोई अपराध हो जाए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं सबसे पहले अगर वहां की पुलिस इनके जिला ऑफिस पे रेड मार दे, अपराधी वहीं मिलेगा, वहीं मिलेगा आपको अपराधी। कहीं कोई बलात्कार हो जाए बीजेपी में मिलेगा, कहीं कोई मर्डर हो जाए या तो बीजेपी का हो गया या बीजेपी में जाके शामिल हो जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले सिंगापुर के एम्बेसडर मेरे से मिलने के लिए आए, उन्होंने कहा जी आपने दिल्ली के अंदर बहुत शानदार काम किया है। उन्होंने हमारे, उनको सारा काम पता था अपना, उन्होंने बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य स्कूल अस्पताल सबका जिक्र किया। उन्होंने कहा जी आप सिंगापुर सरकार की तरफ से मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप सिंगापुर आए। और सिंगापुर में हमने दुनिया भर के सारे शहरों के मेयर मुख्यमंत्री अलग अलग शहरों के बुला रखे हैं आपको सुनने के लिए, आप वहां आएं और बताएं कि आपका दिल्ली मॉडल क्या है। मैं समझता हूं ये तो देश के लिए गर्व की बात है, पूरी दुनिया सुनती कि दिल्ली मॉडल क्या है, पूरी दुनिया सुनती कि दिल्ली भारत के लोगों ने किस तरह से, दिल्ली के लोगों ने किस तरह से अपने स्कूल अस्पताल अच्छे कर दिए। इन्होंने मेरी सिंगापुर वाली फाइल रोक के बैठ गए, सिंगापुर नहीं जाने दे रहे। ये केजरीवाल से नफरत करते करते इस देश के साथ नफरत करने लग गए कि पूरे दुनिया के अंदर भारत का नाम नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, हर चीज में। मिलेनिया ट्रंप आई, मिलेनिया ट्रंप ने भी सुना था वहां पे कि इंडिया के अंदर दिल्ली में सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छा काम हुआ है। मिलेनिया ट्रंप दो साल पहले डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी मिलेनिया ट्रंप भी आई थी। मिलेनिया ट्रंप ने आके बोला मैं तो दिल्ली सरकार के स्कूल देखूंगी, तो मोदी जी ने बहुत समझाया बहन मान जा, तेरे को मैं अच्छा प्राइवेट स्कूल दिखा देता हूं। नहीं मानी, बोले तेरे को मैं केंद्र सरकार का कोई स्कूल दिखा देता हूँ, हमारे दूसरे कोई राज्यों का स्कूल। नीमा नहीं बोली मैं तो केजरीवाल के स्कूल में जाऊंगी। अच्छी बात है, देश का नाम होता है। पर ये मेरे को पिछले साल कोपेनहेगन में बुलाया गया कि भाई दिल्ली ने प्रदूषण के ऊपर अच्छा काम किया। मैं ये नहीं कह रहा प्रदूषण सारा कंट्रोल हो गया, अभी बहुत काम करना है, लेकिन पहले जो हालत थी उससे काफी सुधार हुआ है, हम ठीक दिशा में जा रहे हैं। अभी और समय लगेगा, 70 साल का इन्होंने जो बेड़ा गर्क किया है वो 5 साल में खत्म नहीं हो सकता, अभी कर रहे हैं। लेकिन उनको पता चला, दुनिया को पता चला भाई दिल्ली में प्रदूषण पे अच्छा, उन्होंने मेरे को बुलाया, इन्होंने जाने नहीं दिया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि किस तरह से, मुझे लगता है कि 75 साल के भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई प्रधानमंत्री किसी
मुख्यमंत्री को जाने से, विदेश जाने से रोकता है। तो दोस्तों, ये जो अभी हमारे सामने रेजोल्यूशन है, मैं इसका समर्थन करता हूं कि एमसीडी में जल्दी से जल्दी चुनाव होने चाहिए। पर मैं भी ये कह दूं, ये कराने वाले नहीं है, हमें कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट जाएंगे और चुनाव टाइम पे करवा के रहेंगे हम लोग।